बड़ी खबर, भाजपा पर बहिष्कार की हमारी भूमिका। लोकसभा चुनाव में मराठा क्रांति मोर्चा ने लिया निर्णय। वर्तमान में मराठा क्रांति मोर्चा राज्य में चुनाव लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुका है, जबकि यह लोकसभा चुनाव से गुजर रहा है। मराठा क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि बहिष्कार जाति के नेता के रूप में हमारी भूमिका है। क्रांति मोर्चा ने कहा कि न तो भाजपा और न तो कांग्रेस और न ही राकापा। वर्तमान में मराठी क्रांति मोर्चा राज्य में चुनाव लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुका है, जबकि यह लोकसभा चुनाव से गुजर रहा है। कांग्रेस और राकापा ने मराठा समुदाय के साथ अन्याय किया है। कोबड़ी मामले में मौत की सजा, अत्याचार अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने का कानून में बदलाव, स्वामीनाथन आयोग के लागू करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य में मराठा समुदाय सड़कों पर आया था। आरक्षण की मांग को छोड़कर अन्य मांगों को पूरा नहीं किया है। यद्यपि मराठा समुदाय को आरक्षण मिला, यह मामला वर्तमान में अधिकारी क्षेत्र में है। मराठा संगठनों ने चेतावनी दी थी कि आरक्षण मिला, यह मामला वर्तमान में अधिकार क्षेत्र में है। मराठा संगठनों ने चेतावनी दी थी कि लोकसभा चुनाव के मतदाताओं को बहिष्कार करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि पर शनिवार को मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी आयोजित किए गए इस बैठक में लोकसभा चुनाव लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुछ भी हासिल नहीं किया जाएगा, दबाव लाना हमारी मुख्य भूमिका है और हमें हर स्तर पर धोखा दिया गया है। संगठन ने कहा कि लगभग 3 करोड़ पत्र कमल द्वारा छपे और वितरित लिए जाएंगे, जो कि फर्जी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।